अच्छा हुआ तूने फोन किया, मैं एक जरूरी काम से सूरत जा रहा हूँ, कल शाम तक आ जाऊंगा। ऐसे भी क्या जल्दी है कि आज के आज ही जा रहे हो? अरे भाई उधर एक प्लॉट देखने जा रहा हूँ। उस्ताद ये पोपटलाल खराटे मार रहा है, नींद में से उठ ही नहीं रहा। अभी मजा चखाता हूँ इसे। अरे सो क्या रहे हो, घोड़े बेच के नीचे आओ। क्या मुसीबत आ गई कि इतने जोर से दरवाजा खटखटा रहे थे? मैं अभी बताता हूँ, ये सरदार जी जो है ना भोपाल से यहाँ मुझे लाने के डबल पैसे मांग रहे हैं। ये जानता नहीं है पत्रकार पोपटलाल क्या चीज है, दुनिया हिला दूंगा मैं। गलते सुनी यार सतवंते। एक मिनट छोड़ी, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और दुनिया हिला दूंगा। दोनों ही समझने को तैयार नहीं है, असल में सफर की थकान के मारे दोनों का दिमाग ठिकाने पे नहीं है। हाँ। और मैं कह जी इसका दिमाग तो पहले से ही ठिकाने पे नहीं है जी, जब से भोपाल से चले हैं जब स्लो चलता तो बोले तेज चल, जब तेज चलता तो बोलते स्लो चल। अरे तुझे ना ड्राइविंग करनी ही नहीं आती, तू अगर मेरा ड्राइवर होता ना तो तुझे पहले दिन नौकरी से निकाल देता। हाँ ओए पिछले जन्म के बाद फूटे होंगे जो तेरा ड्राइवर होगा। और पता है साहब इसने टोल टैक्स नाके पे क्या किया? सत श्री अकाल पापा जी। ओ सत श्री अकाल भाई, एड़ा संजे पैसे दे। क्या करता है? अरे पापा जी छुट्टा नहीं है। छुट्टा नहीं है तो टोल नहीं देने का है? एक तो फुकट का पैसा लेते हो और ऊपर से छुट्टा भी नहीं रखते हो। ए भाई आप कौन हो? मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ। अरे आप ऐसा बीच में क्यों बोल रहे हो यार? एक मिनट मैं बोलूंगा। आप लोग टोल का इतना पैसा लेते हो तो आपको छुट्टा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए अपने पास? अरे वो तो छोड़ो, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए गर्मी में ठंडा पानी भी रखना चाहिए। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास? तुम लोगों के खिलाफ अखबार में आर्टिकल लिखूंगा, दुनिया को हिला के रख दूंगा। ठीक है तुमको जो लिखने का है लिखो, पहले 500 का छुट्टा लेकर आओ तब जाके टेम्पो यहाँ से जाने दूंगा। यार तू क्यों पुराने रिकॉर्ड की तरह बक 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 करता, चुप क्यों नहीं रहता है? तो मैं गलत क्या बोल रहा हूँ पापा जी, आप बताओ मुझे मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि टोल किस लिए लिया जाता है? ताकि रास्ते अच्छे हो, है कि नहीं? लेकिन तुम लोग रास्तों को अच्छा करते हो, पूरे रास्ते में खड्डे है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऊंट पे बैठ के आ रहा हूँ, पूरी पीठ में दर्द हो गया, पाम भी नहीं देते हो तुम लोग। अरे मैं तो कहता हूँ तुम लोग गली गली में टोल नाका शुरू कर दो, तुम लोग हमारी सोसाइटी में भी टोल नाका शुरू कर दो। और मैं क्या जी, चुप कर जा अभी, मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं क्या यार, पैसे बाद में लूंगा मैं, निकलते हैं, दूसरे चक्कर में आता हूँ। शर्मा जी फटाफट बोल दो, जाने दो। तो मैंने क्या गलत बोला? आप लोग सब बताइए, जो आदमी टोल नाके पे खड़ा रहता है उसके पास छुट्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए? होना चाहिए, बराबर है। हाँ होना चाहिए, लेकिन तुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। और मैं क्या जी, ये नाम का पोपट नहीं है, जरूर तीखी मिर्ची खाता होगा। और रास्ते में ना ट्रैफिक हवलदार से लड़ पड़ा जी। ओ सरदार जी ये पत्रकार पोपट लाल है, ये हवलदार से क्या, ये तो कमिश्नर से भी लड़ सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि हुआ क्या? रास्ते में हमें हवलदार मिला। कोने बे? ड्राइवर कहाँ है? साहब जरा। नमस्ते साहब जी। गाड़ी में क्या है? मैं कहा बाबूजी घर का सामान है जी, ये बाबूजी बैठे हैं जी, इनका सामान है जी, चेक करना पड़ेगा। हाँ जी साहब जी करिए बड़े शौक से जी। क्या 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 प्रॉब्लम है? घर के सामान में क्या चेक करना है आप लोगों को? देखिए ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी के नाम पे कुछ भी करते हो, जो चेक करना होता है वो तो कभी नहीं करते हो। हमारे देश में इतना माल सामान हेर फेर होता है, आज तक क्या क्या चेक किया बोलो? हाँ क्या क्या पकड़ा तुम लोगों ने? अरे चुप। क्यों चुप रहो? मैं कब बोला ये बोले? अरे चुप यार, मरवाओगे क्या? मैं क्यों मरवाऊंगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम क्या बहुत बड़े फिल्म स्टार हो? ये हूँ मैं, ये देखो। क्या है ये? पढ़ो। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। हाँ तो मैं बताता हूँ, पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस, जर्नलिस्ट हूँ मैं, जर्नलिस्ट। तो क्या हुआ, कानून सबके लिए एक सरका होता है? मैं तुम लोगों के बारे में ऐसा लिखूंगा ना कि तुम कानून की सारी किताबें भूल जाओगे। हाँ अच्छा,
तो वहां बैठ करके लिखो, अब ये गाड़ी चेक हो करके रहेगी। 2 घंटे तक इनके घर के सामान की तलाशी लेते रहे, बाद में मुझे बोलते जी टेम्पू के पेपर बताओ। पेपरों में मेरी PUC थी नहीं, 650 रुपए का दंड मार दिया जी उन्होंने मुझे। अरे तो तू होशियार बन के फाइल लेने क्यों आगे चला गया था? मैंने मना किया था ना, मैं पोपटलाल पत्रकार हूँ और पत्रकारों से बदतमीजी करते हुए पुलिस बहुत डरती है। हाँ पोपटलाल, तुम जैसा सोचते हो जिंदगी वैसी नहीं होती दोस्त। अरे आप पत्रकार है, इसका मतलब ये है कि कानून आपके लिए अलग है, पुलिस आपसे अलग व्यवहार क्यों करेगी? जिंदगी में कभी कभी प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है पोपटलाल, क्या तुम छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो? मैं क्या बाबूजी, मैं तो आंख में पट्टी बांध के गाड़ी चला सकता हूँ, पर इनके साथ में बैठ के गाड़ी चलाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता जी। सुना, और आपको पता है बाबूजी ये ड्राइविंग करते समय क्या करते हैं? क्या? और रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। गाड़ी चलाते चलाते गाना नहीं गाना चाहिए पापा जी। और मेरे बाप, तू हमारे ट्रक में कहां से आ गया? क्या कर रहे हो, फास्ट फास्ट चलो, मैं बॉम्बे कब पहुंचूंगा? 2 दिन के बाद। पापा जी राइट राइट लो राइट लो राइट लो राइट राइट लो राइट। ओए बॉम्बे लेफ्ट में। मैंने बोला ना राइट लो आप। ओ बॉम्बे लेफ्ट में। अरे बॉम्बे मैं रहता हूँ, क्या आप रहते हो? मुझे मालूम है, मेरा वाला बॉम्बे राइट में। राइट लो। पापा जी एक काम करो, आप राइट ले लो। राइट ले लो। हाँ अभी बराबर है, अभी सीधा चलो, सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट चलो। ये ले आ गया तेरा बॉम्बे। बॉम्बे नहीं है तो खाई है। तो डाल दूं क्या इसमें? सीधा चलो, टेढ़ा चलो, 200 किलोमीटर तो दूर ले आया मुझे उल्टी साइड। तो अभी 200 ही किलोमीटर हुआ है ना, 300 किलोमीटर तो नहीं हुआ है ना? घुमा लो गाड़ी, यू टर्न ले लो। ओ तुम आदमी है कि गन चक्कर? अरे तुम दोनों के चक्कर में मेरी छोटी सी जान चली जाएगी। पापा जी पता नहीं कौन से मुहूर्त पे एक ग्राहक मिला था। अरे उस्ताद तो इससे परेशान होकर टेम्पो छोड़कर भाग रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको समझाया, तब जाकर माने। चल यार भाई, ये पोपट अभी सामान खाली करो, टेम्पो वाले को जाने दे, हम सबको सोना है। और बाबूजी वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी गाड़ी खाली करो और मुझे भाड़ा दो, मुझे जाने दो। जो तय हुआ है वो 7,000 रुपया भाड़ा मिलेगा। बहुत परेशान किया तूने भोपाल से यहाँ तक मुझे। ओए परेशान मैंने तुझे किया कि तूने मुझे किया? और मैं तो 15,000 तेरे से लेकर ही छोड़ूंगा। हाँ देखा, आप लोगों ने इसकी दादागिरी को देखा, अब तो मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। भूल जा तेरे भाड़े को, जो करना है वो कर ले। ओए मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। खबरदार खबरदार, अगर कोई भी ऊपर आया तो मैं दुनिया हिला दूंगा। जो करने कर, पर मेरा भाड़ा दे दे मुझे। अरे हाँ भाड़ा दे दे यार। नहीं नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भाड़ा दे दूंगा। एक मिनट, लेकिन सिर्फ 7,000 दूंगा। 15,000 लूंगा। 15,000 7 15 7 भाई साहब मान जाइए ना। पापा जी मान जाइए।
पापा जी हमारे लिए मान जाइए। अरे हाँ सतवंत मान जा यार, प्लीज मान जाइए। तो मैं कह जी आप सब लोग कह रही हैं तो 12,000 ले लूंगा। नहीं मैं तो सिर्फ 7,000 ही दूंगा बस। अरे यार अच्छा एक काम कर, 7,000 रुपया तू दे दे और बाकी 5,000 रुपया सोसाइटी दे देगी। ठीक है ठीक है। एक वेट लग ले, सोसाइटी किस खुशी में दे देगी 5,000 रुपया? अरे भीड़े क्या बात कर रहे मेरे सोसाइटी के पास फंड नहीं है ना, मैं दूंगा 5,000 रुपए बस। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, लेखक महाशय क्यों देंगे 5,000 रुपए? आप बिल्कुल नहीं देंगे 5,000। परम आदरणीय पोपटलाल जी, हमें सारी रात यहाँ खड़े रह के ये तमाशा नहीं देखना, हमें सोना है, इसलिए मैं 5,000 रुपए दे दूंगा। ओके बिल्कुल ओके जी। और मैं क्या भाऊ जी, गाड़ी खाली करो और मुझे अपने भतीजे की शादी में बठिंडे जाना है। अच्छा तेरे भतीजे की शादी है तो उसमें हम क्या करें? मैं अपने भतीजे की शादी में खुद नहीं जा पाया हूँ, बंबई में था उसके बावजूद भी। और तेरे को बुलाया नहीं होगा उन्होंने? क्या? और तू शांत हो जा यार पोपट, बड़ा अजीबोगरीब पटाखा है, जलने से पहले फट जाता है यार। ओ मैं क्या भाऊ जी, मेरी गाड़ी खाली करो जी, मुझे जल्दी जाना है। कैसे खाली करे, यहाँ पे कोई मजदूर दिख रहा है आपको? ये भाई ये मजदूर वाली, इधर क्या सबके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? चलना सब लोग मिलके सामान निकाल लेंगे। निकालो निकालो। चाचा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं लाता हूँ 5,000, आप लोग गाड़ी खाली कराना शुरू कीजिए। संभल के निकालो निकालो, एक एक करके सब सामान निकालो। हाँ थोड़ी बैग संभालना, बैग संभालना। ए भीड़े चेन बंद कर देना बैग। ए भाई ये पोपट अभी चुपचाप बैग ना, क्या पक 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 कर रहा है? मेरा 20 साल पुराना फ्लावर वास तोड़ दिया टप्पू ने। टप्पू क्या करता है टप्पू? टप्पू बेटा संभल के, अब किसी चीज को हाथ मत लगाना, पीछे हटो सब लोग। सोनू पीछे हटो, काट लग जाएगा, पीछे हटो। हाँ टीवी टीवी को एकदम संभालना, एकदम चालू है, वर्किंग कंडीशन में है, अभी तक आता है, ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर आता है उसके अंदर। फेंकता क्यों है सोड़ी? फेंक मत, उसमें मेरी किताबें हैं। तू ये रद्दी भी लेके आया वहाँ भोपाल से? अरे क्या रद्दी क्यों लाएगा, क्या मतलब है? ये भोपाल से ज्यादा पस्ती का पैसा मिलता है ना मुंबई में, 2 रुपया ज्यादा मिलता है, इसलिए लेके आया हूँ। क्या ये पोपट लाल भी एकदम कंजूस है आदमी। ये भाई ये पोपट पूरे भोपाल का सामान लाया है क्या? नहीं नहीं ये तो सिर्फ मेरा ही सामान है, जो इस घर में था वही सब मैं वापस लेके आया हूँ। चल 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 उठा इन्हें उठा। इसे भी अरे ताऊ ताऊ पर उठा। अरे अरे सोड़ी संभल के संभल के। मैंने क्या किया? क्या हुआ? अरे चोट लगी, मजदूर लगी। सही आराम से करना भाई। ओहो सोड़ी क्या था यार, ध्यान से कर, अभी दवाई लगानी पड़ेगी। रोशन भाभी अरे सोड़ी के हाथ पे चोट लग गई है। हाँ रोशन दवाई लगाइए। हाँ रोशन जल्दी आओ। ये उतर बाबा उतर। पोपट और खाली दवाई लगाना लेना मत। पोपट लाल सॉरी सॉरी, अभी इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो आप लोगों को हेल्प ही कर रहा हूँ ना कब से। गलती तो हमारी है भाई कि हम तेरे दोस्त हैं और आधी रात को ये सब सामान उतार रहे हैं। थैंक यू लेखक महाशय, थैंक यू वेरी मच। आधी रात को एक शिक्षक को मजदूर बना दिया। ये पोपट चलो अब तुम ही नीचे आ जा। हाँ उतरता हूँ चाचा जी, एकदम अच्छा सजेशन दिया, अभी उतरता हूँ। हेलो टप्पू के पापा। हाँ सो रहे हैं? दया शादी के बाद पहली बार चैन की नींद सो रहा था, लेकिन तुझसे देखा नहीं गया। नहीं बोल फोन क्यों किया? अरे हाँ हाँ वो सोसाइटी के सभी लोग कंपाउंड में जमा हो गए हैं। क्यों
फिर से चोर बोल रहा है सोसाइटी में? अरे नहीं नहीं, पत्रकार पोपटलाल आए हैं। सब लोग उनका सामान टेम्पो में से नीचे उतार रहे हैं। आपको पता है वो पत्रकार पोपटलाल तो बहुत जबरन निकला। वो टेम्पो वाले को भाड़े का 12,000 देने का था तो उन्होंने सिर्फ 7,000 रुपए ही दिए, बाकी के 5,000 मेहता साहब ने अपनी जेब में से दिए। तो अभी आ जाओ। अभी सूरत से उधर आऊँ मुंबई। नहीं आ सकते हो दया? ठीक है तो आप सो जाइए बस खुश। चलिए फोन रखती हूँ। रखना भाई रखती है तो। रोशन ये तो बहुत ज्यादा लग गया, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं नहीं रोशन, अन्ना ज्यादा नहीं लगे मैनू, देखो तो ये ओके पुत्र है कि कितना दूं। ओए पापा, मर्द को दर्द नहीं होता? ओए मर्द को दर्द नहीं होता पर जलन तो होती है ना। ओए बाकी रोशन मैं अभी दवाई लगा देती हूं, कहीं नहीं गया बस ठीक है जैसे। चंगा जी, पोपटलाल जी आपका सामान उतर गया, भाड़ा दे दो जी। हां हां दे रहा हूं, ये ले। ये 2,000, ये दूसरा 2 और ये 2 6। और मैं क्या जी, 7 बनते हैं। हाँ हाँ दे रहा हूँ, खा जाऊंगा क्या? 1,000 ये ले, 7,000 पूरे हो गए। और भाऊजी? हाँ 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 भैया हाँ, ये लो 5,000। अच्छा जी सॉरी साहब, चलते हैं जी, फिर मिलेंगे जी। ओ चंगा सतवंत सिंह, सत श्री अकाल, ओ पटिंडे मोशो जा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी भाभी जी नमस्ते। अरे अब भाई साहब आए हो तो फिर सुबह का खाना खाकर ही जाइए ना। दया भाभी, दया करो भाभी जी। नहीं जी भाभी जी, मेहरबानी जी, सबकी बड़ी मेहरबानी जी। चंगा जी चलते हैं जी। पोपटलाल यहाँ मिला तो मिला, ऊपर नहीं मिलना। ये तू निकल जल्दी यहाँ से, गोकुलधाम सोसाइटी से। ये सारे लोग हैं ना, इसलिए तू आज बच गया, पर मैं तुझे छोड़ता नहीं, सुना तूने? भाई पोपटलाल अपना वजन देख के गुस्सा किया करना भाई। देख भाई बहुत रात खराब हो गई है, अभी हमें भी सोने दे और तू भी सोदा, चलो जाओ। चलो 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 भाई। क्या क्या चलो क्या? ये सब सामान पड़ा है, उसको ऊपर कौन चढ़ाएगा? अरे इतना भारी सामान। अरे अरे यार, सामान उतारे भी हम और चढ़ाए भी हम। अरे आप लोग एक काम कीजिए, मैं ऊपर जाके दरवाजा खोलता हूँ, आप ये सामान चढ़ाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। हाँ यार खोल, मदद कर दो। अब क्या हुआ? अरे चाबी। हाँ एक और मुसीबत। ए भाई पोपटलाल, तू आदमी है या आइटम है भाई? भोपाल से चला था जब चाबी लेके चला था कि नहीं, वहां भूल तो नहीं गया तू? अरे हाँ, वहां से निकलते वक्त मैं अपने नौकर को डांट रहा था, उसी चक्कर में लगता है यहाँ की चाबी मैं भूल गया। क्या? लीजिए, गरीबी में आटा गीला। पहले ही मुसीबतें कम थी हमारे लिए कि एक मुसीबत और आ खड़ी हुई, चाबी खो गई सामान निकालने के बाद। हद है साहब, मैंने आपको कहा था ना कि हंगामे की शुरुआत होने वाली है और हो गया हंगामा शुरू। लेकिन यहाँ पे एक बात की तारीफ करनी होगी, इतने हंगामे के बावजूद भी गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों ने मदद की पोपटलाल की। चाहे परेशानी रही, बहसबाजी भी हुई, एक दूसरे को पसंद करें ना करें, लेकिन ये सोसाइटी की विशेषता है कि एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं। और वैसे मैं तारीफ करना चाहूंगा मेरे देश के हर मोहल्ले हर सोसाइटी की, जहां लोग एक दूसरे से बहस करते हैं, झगड़ते भी हैं, कभी कभी आपस में मनमुटाव भी हो जाते हैं, लेकिन जब मदद की बात आती है सब एक खड़े होते हैं। आपसे भी यही कहूंगा, मनमुटाव होंगे अपनी जगह होंगे, लेकिन जब मुल्क की बात आए एक साथ खड़े हो जाइए। खैर ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी परेशानी ये है कि सामान ट्रक के बाहर और घर की चाबी गायब, अब हम सब मिलके क्या करेंगे? मुझे नहीं पता लेकिन हंगामा जरूर है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।